पनोरमा ग्रुप के जिला स्कूल रोड स्थित कॉरपोरेट कार्यालय में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी होने वाले पनोरमा स्टार सीजन 5 को लेकर कंपनी के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पनोरमा ग्रुप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 दिवसीय पनोरमा स्टार सीजन 5 का भव्य आयोजन करने जा रहा है, जिसमें विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता जैसे प्रॉपर्टी फेयर, मिस एंड मिसेज बिहार एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के नामचीन हस्ती भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 26 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पनोरमा स्टार प्रतियोगिता के माध्यम से स्पोर्ट्स, सिंगिंग, डांसिंग एवं विभिन्न विधाओं में विजेताओं को पुरस्कृत करेगी। विभिन्न विधाओं में भाग लेने के लिए मोबाइल नंबर 7549000057 पर 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान प्रसिद्ध चित्रकार गुल्लुदा, पूर्णिया स्पोर्ट क्लब के अध्यक्ष हरिओम झा, प्रसिद्ध कलाकार अमित कुमार और सुनील सुमन आदि मौजूद थे। बहुत बधाई कि उन्होंने 6 साल पूरा किया है। 4 साल से मैं इस डांस कंपटीशन से जुड़ा हुआ रहूं और जैसा कि गुल्लुदा बता रहे थे, कलाकार के बारे में कोई नहीं सोचता है। कलाकार को लोग सब सिंपैथी की नज़र से देखते हैं और पीठ पे सिर्फ हाथ देते हैं, पर जहाँ तक आर्थिक रूप से संबल बनाने की बात है तो पहला व्यक्ति है जो पूरे बिहार में, जहाँ तक मेरी अपनी देखने की क्षमता है वहाँ तक मुझे लगता है कि एक शख्स है जो कलाकारों को आर्थिक रूप से संबल बनाने की के बारे में सोचते हैं। इसके लिए सर का मैं कलाकार जगत के सभी लोगों के तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जहाँ तक डांसिंग और म्यूजिक की बात है तो जैसा कि सर ने पहले भी बताया है कि वीडियो बना के आपको भेजना है। वीडियो सेलेक्शन में आपको जब बता दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं तो आपको 26 तारीख को पहला राउंड होगा, जिसमें आप म्यूजिक में और डांस में आके परफॉर्म करेंगे। उस दिन आपको सेमीफाइनल के लिए बताया जाएगा कि आप अगले दिन सेमीफाइनल के लिए आ रहे हैं। आपको 27 तारीख को ही सेमीफाइनल भी लेना है और फाइनल में भी पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि फाइनल का जो 10 टॉप 10 चुना जाएगा म्यूजिक में और डांस में, उसका रिजल्ट जो है वो जो हमारे सेलिब्रिटी होंगे 28 तारीख को उनके हाथों से सम्मानित करवाया जाएगा। रिजल्ट उस दिन अनाउंस नहीं होगा, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल का जो कंपटीशन है, दोनों कंपटीशन एक ही दिन हो जाएगा, म्यूजिक में भी और डांस में भी। परफॉर्मेंस करने का यदि मौका मिला तो शायद करवाया जाए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, उनको प्राइज मिलेगा। प्राइज बहुत बड़े पैमाने पे मिलता है, हर विधा का अलग अलग प्राइज होता है। और सबसे बड़ी बात कि डांस में और म्यूजिक में जो सर तो सीमांचल तक बांध के रखना चाहते हैं, लेकिन इस पनोरमा का कंपटीशन का ये क्रेज है कि वेस्ट बंगाल, पटना, ये सब जगह से भी लोग आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ कैश प्राइज को देखते हुए। तो सर को से आग्रह है कि इस कंपटीशन को और बड़े पैमाने पे बनाया जाए, जिससे कि और भी जगह के लोग आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। और डांस में जहाँ तक मेरी एक राय रहेगी कि डांस कंपटीशन में आप तीनों विधा, वेस्टर्न और फोक और बॉलीवुड, आप तीनों विधा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ग्रुप और सिंगल दोनों कर सकते हैं। सिंगिंग में भी, सिंगिंग में क्लासिकल और लाइट म्यूजिक दोनों में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑडिशन कब से शुरू होंगे? ऑडिशन तो आपको वीडियो तो पहले भेजना है, वीडियो में आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपको पहला राउंड 26 तारीख को आपका होगा। 6 साल कंप्लीट हुआ है, 1 सितंबर को हम लोगों ने ये वर्षगांठ भी मनाया था और कंपनी का 1 साल कंप्लीट होने पे हम लोगों ने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया था जिसका नाम है पनोरमा स्टार। और आज बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इसका सीजन 5 इस बार सेलिब्रेट करेंगे। ये कार्यक्रम पहले ही होना था, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए हमने थोड़ी सी इसमें चेंजेस किया। हम लोगों ने ये कार्यक्रम बिफोर दिवाली हम लोग हर साल मनाते हैं और स्पेशली हमारे कोसी सीमांचल बिहार के जो बच्चे हैं उनको स्पोर्ट्स में सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग और जो महिला किचन में काम करती है उनको भी हम ग्रूमिंग करने का, उनको भी ट्रेन करने का हम लोग काम करते हैं, जिसका शुरुआत पिछले साल हम लोगों ने किया था मिस एंड मिसेज पनोरमा। लास्ट ईयर नाम था इसका मिस एंड मिसेज बिहार।
और हम लोगों ने इसका नाम इस बार चेंज किया है, उसका नाम रखा है मिशन मिसेस पैनोरमा। इसमें कई विधाएं हैं, 26, 27, 28 अक्टूबर ये 3 दिन का कार्यक्रम है। पहला दिन जो कार्यक्रम है उसमें हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं और जितने भी विधायक हैं, जैसे 26 तारीख को जितने भी प्रतिभा प्रतियोगिता है, डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, मिसेस एंड मिस पैनोरमा, स्पोर्ट्स में भी कई हैं जो हरिओम जी बताएंगे और अमित जी डांस और सिंगिंग के बारे में बताएंगे, और जाने माने हमारे बड़े भाई बगल में गोलूदा बैठे हुए हैं, पेंटिंग के बारे में वो बताएंगे। जजेस हमारे बाहर के होते हैं लेकिन इनिशियल ये लोग शहर में अपना, इनका बहुत बड़ा सोशल कंट्रीब्यूशन है, ये लोग हमको हर साल मदद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आज सभी लोग उपस्थित हैं, आप लोग बारी बारी से इन लोगों से पूछ सकते हैं कि इन लोगों का क्या, चूँकि हम तो एक कार्यक्रम के आयोजक हैं लेकिन करना इन्हीं लोगों को है, ये लोग के मदद से हम कार्यक्रम को सफल बना पाते हैं, इसमें इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो इसकी शुरुआत हमने 2017 में की थी इस पैनोरमा स्टार का, और आज हम लोग इस साल सीजन 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैं ब्रीफ कर दूं कि हमारा 26 तारीख को क्या क्या कार्यक्रम होगा, 27 को क्या होगा और 28 को क्या होगा। 26 का कार्यक्रम है जितने भी प्रतिभा प्रतियोगिता है, वो 11 बजे से स्टार्ट होगा शाम के 6 बजे तक, जिसमें जितनी भी विधा है, 5 विधा है टोटल। स्पोर्ट्स का कार्यक्रम पिछले 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मेन कार्यक्रम हम लोगों का जो है 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को होगा, सुबह 11 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक। और जो 28 तारीख को है वो विशेष कार्यक्रम होता है, वो रात के 10 बजे तक। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, 1,01,000 है पाना। ये तीन चार तरह का कंपटीशन हो रहा है, जिसमें चित्रकला, डांस, म्यूजिक और गेम्स का। तो बच्चे थोड़ा सा बढ़िया से सुनेंगे। प्रथम पुरस्कार 1,00,000 रुपया, द्वितीय पुरस्कार 1,01,001 रुपया, पुरस्कार द्वितीय पुरस्कार 50,001 रुपया और तृतीय पुरस्कार 25,000 रुपये। तो ये मौका को बच्चे आप ना छोड़े, जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं इस प्रोग्राम में अवश्य आवे। बाकी आप टीवी और वेबसाइट आप खोलिएगा तो सारा चीज आपको डिटेलिंग में मिल जाएगा। आप कृपया, नहीं सब विधाओं में नहीं, इसमें थोड़ा सा स्पोर्ट्स में आपको उसके बारे में हरिओम जी बताएंगे, बकाया सब विधा में 1,00,000 या पेंटिंग का जो चित्रकला, हाँ, पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, इसमें ये पुरस्कार राशि है। और ये स्पोर्ट जो है उसमें कुछ अलग ढंग का आपको वो भी। मैं आप सबों को एक जानकारी दे दूं कि पैनोरमा के निदेशक श्री संजीव मिश्रा सर ने पुणे के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रखा है, जिसमें जिस गेम को कोई महत्व नहीं दिया करते थे, उसकी कोई प्रतियोगिता वगैरह बहुत कम हुआ करती थी ग्रामीण क्षेत्रों में, तो नहीं के बराबर ही प्रतियोगिता होती थी, जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन एक इंडोर स्टेडियम में हुआ करता है, इसके अलावा कहीं होता भी नहीं है। एक कस्बा में हुआ करता था बहुत पहले, वो भी नहीं के बराबर है। बट इन दिनों पिछले 2 सालों से मिश्रा सर ने एक प्लेटफॉर्म तैयार रखा, इसमें उन बच्चों को भाग लेने का मौका मिलेगा जो स्कूली लेवल के बच्चे हैं और ओपन टू ऑल खेलते हैं, जो कॉलेज में भी खेलते हैं, दोनों के लिए सामान्य रूप से प्राइज मनी रखा गया है। और जो इस बार एक और नया चीज किया गया है कि जो स्कूल 2 इवेंट में जीतेंगे उनके लिए एक अलग से ट्रॉफी दिया जाएगा। इस ट्रॉफी का भी अनावरण श्री मिश्रा सर करेंगे अभी। और इसमें और एक नया क्रिकेट जोड़ा गया है, क्रिकेट में एक जिला प्रशासन की टीम होगी, चुनाव को लेकर थोड़ी परेशानियाँ आ रही है उसको हम लोग देख लेंगे, और मीडिया की टीम होगी, डॉक्टर्स की टीम होगी, बिजनेसमैन की टीम होगी, मारवाड़ी युवा मंच की टीम होगी, इवन 8 एडवोकेट की टीम होगी, 8 टीमें इसमें भाग लेंगे। तो प्रशासन वाले में थोड़ा सा परेशानी है कि चुनाव आ गया है नगर निगम का, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे मालूम नहीं, बट क्या है कि बिहार सरकार के द्वारा पुलिस लोगों के लिए एक इवेंट कराने का अनुमति दिया गया है, तो हम लोग चाहेंगे कि वह सारे इवेंट, वो हमारे यहाँ जो इवेंट होने वाला है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बैडमिंटन और क्रिकेट, उसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करें। इसके लिए मिश्रा सर को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने पिछले 2 सीजनों से
प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं और अपने बच्चों को खेलने का मौका दे रहे हैं।